आप सभी बच्चों का हमारे SBI एकेडमी रावड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि हम पांचवी क्लास की जो मैथ स्टार्ट कर की हमने और आपकी जो पहली प्रश्नावली है संख्याएं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, तो संख्याओं के बारे में हमने पहले जो कुछ बातें पढ़ रखी थी, ठीक है, उसमें जैसे संख्या जैसे 1 आ गया, फिर उसके बाद में हमारे पास 10, उसके बाद में 100, उसके बाद में 1000, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास 10000। तो इनमें आपने इन संख्याओं में एक बात ये नोट करनी है कि हमारे पास इसमें 0 कितनी आएगी, इसमें हमारे पास कितने नंबर है, इसमें हमारे पास 1 नंबर है, इसमें 2 नंबर है, ठीक है, इसमें कितने नंबर है, 3 नंबर आ गए, इसमें कितने है, 4 नंबर है, और इसमें कितनी संख्या है हमारे पास, यानी इसमें अंक कितने हैं हमारे पास, 5 अंक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे जो इसमें हमारी प्रश्नावली में काम आने वाली जो बेसिक बातें हमने पहले से सीख रखी है, ठीक है, और उन सभी में हमने एक बात और सीखी थी कि संख्याओं के स्थानीय मान क्या होते हैं और संख्याओं को विस्तारित रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। पहली बात तो संख्याओं के विस्तारित रूप, जो संख्या है उनके विस्तारित रूप किस प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे मैंने यहां कोई भी एक संख्या लिख दी 598, 598, तो इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, ठीक है। अब इसका जो विस्तारित रूप होगा, हमारे पास विस्तारित रूप के अंदर एक बात आपको ध्यान रखनी है, प्लस का साइन लगाना है किस प्रकार से। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे 500, उसके बाद में अब 98 है, जिसको हमने 90 प्लस में क्या लिख लिया, 8। आपने यहाँ एक बार नोट किया कि यहाँ जो है प्लस का साइन लगेगा, किसका साइन लगेगा, प्लस का। अब जैसे मान लिया मैंने और संख्या लिखी, ये कितना लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 658। इसको हम यदि इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 600 प्लस 50 प्लस में 8। तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी संख्या का विस्तारित रूप जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लिया आपको इसका विस्तारित रूप लिखना दूं, तो मैं इसका आपको विस्तारित रूप लिखना है, ठीक है, इसका भी आपने विस्तारित रूप लिखना है, ठीक है। ये थोड़ी सी संख्या बड़ी होगी, हम इसका विस्तारित रूप जो अभी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या को पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, यानी 34,694। तो 34,694 को हम जो है किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा 34,000 हो गया, ठीक है, उसके बाद में 600 है, तो ये हमारा 600 हो गया, उसके बाद में 94 है, तो इसको हम 90 प्लस में 4 लिख देंगे, तो ये हमारा कौन सा हो गया, विस्तारित रूप हो गया इसको लिखने का। अब इसको यदि हम विस्तारित रूप में लिखें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी ये 2000 अलग से लिखा, उसके बाद में 400 ये अलग से लिखा, प्लस में 62, यानी 60 प्लस में 2। तो ये सारे के सारे जो है हमारे विस्तारित रूप है, इनको लिखने का तरीका है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्थानीय मान, कि संख्याओं के स्थानीय मान किस प्रकार से लिखे जाते हैं, जो हमारे पास संख्या है उनके स्थानीय मान किस प्रकार से लिखने हैं। स्थानीय मान होते क्या है बच्चों, एक बात आप याद रख लेना कि स्थानीय मान और विस्तारित रूप होते तो सेम ही है, परंतु उसमें प्लस का साइन नहीं लगेगा। जैसे मान लिया मैंने यह संख्या ली 560 लिया, तो इसको लिखने का इसका स्थानीय मान क्या आएगा, 500 अलग लिख दिया और 60 अलग लिख दिया, 500 अलग लिख दिया और 60 अलग लिख दिया, ये इनके क्या स्थानीय मान है, यानी स्थानीय मान का मतलब किस स्थान पर क्या आए, ठीक है। अब जैसे मान लिया मैंने संख्या ली, ये इसका स्थानीय मान क्या आएगा, ये क्या है 400, ठीक है, फिर क्या आएगा 90, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 4, ठीक है। यदि मैं ये बोलूं कि आपको 9 का स्थानीय मान लिखना है
स्थानीयमान का मतलब आगे की संख्या लिखो आप, ठीक है, यानी 9 का स्थानीयमान क्या आ जाएगा 90 और 4, ठीक है। इस प्रकार से आपको बात ये ध्यान रखनी है सिर्फ और सिर्फ कि स्थानीयमान में आपके पास प्लस का साइन ही आएगा और उसमें प्लस का साइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3 नंबर पे, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि संख्याओं को पढ़कर, संख्याओं को पढ़कर उनको शब्दों में लिखना, तो ये हमने पहले से सीख रखा है। जैसे मैंने कोई भी बताया था, जैसे आपको सबसे पहली बात तो संख्या पढ़नी आनी चाहिए, सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से 1 करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से संख्या जो चलती जाएगी। फिर उसके बाद आपको संख्या पढ़नी है, उसके बाद में आपने उसको शब्दों में लिखना है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक चिन्ह पर। चिन्ह को किस प्रकार से लगाएं, चिन्ह को किस प्रकार से लगाएं। देखो बच्चों, चिन्ह जो है हमारे पास इस टाइप के आएंगे, इस टाइप के चिन्ह आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इनमें जो है 4 चिन्ह हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देखना, जिसकी ओर मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूं, जिसकी ओर मुंह खुला होगा वो क्या होगा हमारा, बड़ा होगा, वो बड़ी संख्या होगी, जिसकी ओर मुंह खुला नहीं होगा वो छोटी संख्या होगी। जैसे आपको, जैसे कोई पूछेगा कि 54 और यहाँ आपको एक ब्रैकेट दे देगा, ठीक है, और यहाँ 60 लिखेगा, वो ये कहेगा कि इसमें चिन्ह कौन सा आएगा। तो आप संख्या देखिए, पहले तो 54 बड़ा है या फिर 60 बड़ा है, आप कहोगे कि सर 60 बड़ा है, तो चिन्ह जो है वो इस प्रकार का इसमें आ जाएगा, मैंने अभी बताया था, जिसकी ओर मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो अभी मेरे को आप ये बताइए, ये बताइए कि चिन्ह जो है वो कौन सा लगेगा इसमें। तो आपको अभी कि सर ये वाली संख्या बड़ी है तो इसमें भी यही आएगा, तो अभी इसमें बताइए, इसमें बताइए, दोनों संख्या बराबर आ गई, दोनों संख्या बराबर आ गई तो इसमें बराबर का साइन लगा दो, ये बड़ा, ठीक है। तो अब हमने चिन्हों पर भी जो है वो बात कर ली है, ठीक है, कि ये बड़े चिन्ह जिसके ओर में खुला होगा वो जो है वो संख्या बड़ी होगी, ठीक है, हमने जो प्रश्नावली की डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब हम करेंगे जो हमारी प्रश्नावली है संख्या 1.1, उसके हम प्रश्न करेंगे, ये जो मैंने आपको बताया बस उसके अंदर भी यही सब कुछ ही है, ठीक है बच्चों। आप पहले इनको सबसे अच्छे से तैयार कीजिए, फिर हम अपने प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे, ठीक है बच्चों। मैं आपको कुछ इसमें प्रश्न दे रहा हूं, आप प्रश्न करने की वो कोशिश करना, ठीक है बच्चों। इसमें मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आपने चिन्ह बताने हैं कि उनमें चिन्ह कौन कौन से आएंगे। इनमें आपने चिन्ह बताने हैं कि आपके चिन्ह कौन कौन से हैं, ठीक है बच्चों। तो इसे आप नोट कीजिए और अच्छे से इसको घर पर बैठ के अपने अपनी जो फेयर कॉपी पर है उसमें अपना लिखना बच्चों इसको।
ठीक है, काम साथ के साथ आपको करना है। ठीक है, जो भी प्रश्नावली आपको करवाई जाएगी उसको आपने साथ साथ उसका अध्ययन करना है और रिवाइज करना है।